आज हम लोग ये टमाटर के सूप की रेसिपी बना रहे हैं। आप देख सकते हो एकदम रिच और क्रीमी लग रहा है कि नहीं। और मेरे चटोरों कैसे हो आप। आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे टमाटर सूप की रेसिपी। वैसे तो टमेटो सूप या फिर क्रीम ऑफ टमेटो सूप आप मैं सभी जने घर में बनाते हैं। उसमें हम लोग प्याज भी डालते हैं, गाजर भी डालते हैं, ये भी डालते हैं, वो भी डालते हैं, सोच कर कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा होटल जैसा। हेल्दी ज़रूर बनता है घर में, लेकिन होटल वाला टमाटर का फ्लेवर नहीं आता है ना। आज हम लोग बनाएंगे एकदम होटल स्टाइल में। वो लोग कुछ भी नहीं डालते, कुकर में नहीं बनाते हैं दोस्तों। कुकर में बनाने से टेस्ट हल्का सा अजीब हो जाता है, तो एकदम होटल वाली रेसिपी बनाएंगे। टमाटर का फ्लेवर एकदम बढ़िया आएगा और एकदम सिंपल रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करें क्या? तो दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं। टमाटर का सूप बनाने के लिए आपको सबसे पहले है ना टमाटर तो लगेगा ही। मैंने यहाँ पर है ना 4 पीस टमाटर लिए हैं हाइब्रिड वाले, मतलब मैंने बैंगलोर वाले इस्तेमाल करे। इसका कलर थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है और थोड़े खट्टे भी कम रहते हैं। 4 पीस इस्तेमाल करिए। इसको हम लोग काट लेंगे। सबसे पहले तो मैंने इसकी आँख निकाल दी। आँख निकालने के बाद हम लोग इसको छोटा छोटा काट लेंगे। आप कोई भी साइज़ में काट सकते हो, लेकिन अगर आप छोटा काटेंगे तो फ्लेवर बेटर आएगा। लेकिन इसको मिक्सी में मत पीसिएगा, मिक्सी में पीसने से टमाटर के बीज भी पिस जाएंगे। आपको पता ही होगा टमाटर का बीज हल्का सा कड़वा रहता है, तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो टमाटर मैंने काट कर तैयार कर लिए हैं। अब इसको पकाएंगे कुकर में नहीं, कढ़ाई में। कुकर में आपको भी पता होगा कि प्रेशराइज्ड फ्लेवर आता है, मतलब है ना प्रेशर में वो पकता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लेवर मेरे को अच्छा नहीं लगता। बहुत जने आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो होटल वाले क्या करते हैं आपको पता है? वॉक में बनाते हैं। आप चाहो तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। मैंने भी यहाँ पर एक कढ़ाई गरम करी है। भुना हुआ फ्लेवर आता है आप अगर ध्यान से टेस्ट करोगे। बटर में 3 बड़े चम्मच के आसपास बटर लिया है और उसी में मैं लहसुन डाल रहा हूँ थोड़ा सा। आप चाहो तो मत डालिएगा, लहसुन डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अदरक डालना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर है ना 1 चम्मच के आसपास कटा हुआ अदरक इसमें डाल दिया है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो वीडियो को तो बटर पिघला भी नहीं था। दोनों को एक साथ पकाएंगे। जब बटर में बबल जाने लग जाएंगे तब हम लोग इसमें टमाटर डाल देंगे। होटल वाले टमाटर सूप में भुना हुआ फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, और वो यही स्टेप के वजह से आता है। बॉईल करने से उसका फ्लेवर थोड़ा सा अलग हो जाता है। मेरे को तो भाई बिल्कुल ऐसे पसंद है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टमाटर है इसको अच्छी तरह चलाकर पकाएंगे जब तक टमाटर पूरे ना गल जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। ये स्टेप को फटाफट करने के लिए नमक भी डाल देते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच के आसपास नमक डाल दिया है। अब हम लोग फटाफट इसको मिक्स कर कर पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। वैसे होटल में जब ये सूप बनता है तो आपको भी पता ही है गैस बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, तो है ना फटाफट बन जाता है। उसी रीज़न की वजह से वो लोग 4-5-6 मिनट में ही आपको सूप बना कर भी ला कर दे देते हैं। बहुत जगह तो पहले से ही बना हुआ रहता है या फिर पैकेट का देते हैं, लेकिन जहाँ पर फ्रेश बनता है वहाँ का टेस्ट बहुत बढ़िया रहता है। आप देख सकते हो एकदम गल चुका है टमाटर, पूरा नहीं गला है ये, मेरे को कुछ 4-5 मिनट ही हुई होगी, बिल्कुल गल चुका है। और साथ में इसने पानी भी हल्का सा छोड़ दिया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे। टमाटर सूप में चीनी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, चीनी की वजह से ही बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। टमाटर का खट्टा फ्लेवर के साथ साथ मीठा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पर 4 टमाटर थे तो 4 चम्मच चीनी इस्तेमाल करी है। चीनी को एक बार मिक्स कर देता हूँ। आप देख सकते हो हल्की सी चमकान आने लग गई है टमाटर में। अब एक चीज़ क्या है, टमाटर हमेशा तो सेम मिलते नहीं हैं, उसको सेम करने के लिए केचप डाला जाता है। तो टमाटर का जो सॉस मिलता है ना बाज़ार में खट्टा मीठा वाला, मतलब रेगुलर वाला, वो वाला इसमें डाला जाता है। 2 बड़ा चम्मच मैं अभी डाल रहा हूँ, बहुत जने ज़्यादा भी डालते हैं। इससे मीठापन भी बैलेंस हो जाएगा और साथ में कलर भी बैलेंस हो जाएगा और टमाटर का फ्लेवर भी बैलेंस हो जाएगा। अब सूप बनाने के लिए पानी तो बहुत ज़रूरी है, तो पानी मैं यहाँ पर 2.5 कप डाल रहा हूँ। 2.5 कप मतलब है ना 650 ml के आसपास हो गया, उतना पानी डाल रहा हूँ। इससे 2x4 वाला सूप बन जाएगा, मतलब 2 कटोरी सूप तो बनेगा ही। अगर आप 2 कटोरी से 4 कटोरी बनाना चाहो तो वो भी बन जाएगा। चलिए पानी भी डाल दिया मैंने, पानी को मिला भी दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल्का सा तीखा करते हैं, ज़्यादा तीखा नहीं करना है। आप चाहो तो इसमें काली मिर्च डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी सफ़ेद मिर्च डाल रहा हूँ। सफ़ेद मिर्च से ये मतलब ज़्यादा काला नहीं दिखेगा सूप और एकदम ऑरेंज का ऑरेंज बना रहेगा। अब कलर की बात करिए तो कलर में भी आ जाते हैं, ये बिल्कुल डाला जाता है सभी तरीके के टमाटर सूप में, बाज़ार में, होटल में।
आप चाहो तो यहाँ पर बीटरूट का टुकड़ा भी शुरू में डाल सकते हो टमाटर के साथ काट कर, लेकिन उससे हल्का सा फ्लेवर चेंज हो जाता है। मेरे को बिल्कुल होटल वाले स्टाइल में आपको दिखाना था, उसी रीज़न की वजह से मैंने भी यहाँ पर कलर डाला है। आप अगर चाहो तो बीटरूट डाल सकते हो या फिर कलर को बिल्कुल छोड़ सकते हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक चुटकी मैंने कलर डाला और आप देख सकते हो कलर का कमाल, कलर एकदम टमाटर वाला नेचुरल हो चुका है, अब बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। इसको अच्छी तरह उबालेंगे 2 मिनट तक, जब इसमें अच्छा सा रैपिड बॉईल आ जाता है एकदम, है ना, बढ़िया तरीके से जब ये उबल जाता है और जब टमाटर पूरा गल जाता है, आप देख सकते हो टमाटर एकदम गलने लग गया है, तब हम लोग क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद। हम लोग का सूप तैयार है एक तरीके से, अब हम लोग इसको छानेंगे। अगर आप मिक्सी यूज़ करते हो या फिर ब्लेंडर यूज़ करते हो तो उसमें टमाटर का बीज, टमाटर का छिलका भी ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से टेक्सचर ग्रेनी हो जाता है और साथ में टमाटर के बीज की वजह से हल्का सा कड़वा फ्लेवर आता है। छानना ही बेस्ट उपाय है। तो मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन के ऊपर एक छन्नी रखी है मीडियम साइज़ वाली, मतलब सूप स्ट्रेनर रखा है मीडियम साइज़ वाला, उसके ऊपर फटाफट मैंने ये सूप डाल दिया। ये सूप को अब स्ट्रेन करने का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब बहुत जोर लगेगा, तो आप शुरू में तो ये पानी पानी निकल जाएगा, उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह मैश कर निकालना है। हाथ मत लगाइएगा इसमें, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। आप देख सकते हो कैसे मैं ये दाल की चम्मच से कंटिन्यू इसको मैश कर प्रेस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से नीचे टमाटर का सारा जो फ्लेवर और पल्प है वो निकल जाएगा। लेकिन ये चम्मच कोई काम की नहीं है, मतलब इसने शुरू का स्टेप तो कर दिया, आगे का स्टेप अपने हाथ से करेंगे। हाथ से आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह इसका पल्प निकल रहा है और बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। अब जो बचा है ऊपर वो क्या है, आप देख सकते हो टमाटर का छिलका है, टमाटर के बीज है और टमाटर का कच्चा हिस्सा है, मतलब टमाटर जो पका नहीं था ना गाँच में, वो वाला हिस्सा है। तो सूप के लिए जो टमाटर है वो छन कर निकल चुका है, सूप स्ट्रेनर की नीचे की तरफ भी साफ कर देंगे और फिर हम लोग के सूप को कंप्लीट करेंगे। अभी ये शोरबा की कंसिस्टेंसी में है, मतलब शोरबा जैसे लग रहा है। इसको सूप बनाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, 1 चम्मच बटर में 1 चम्मच गेहूं का आटा या फिर मैदा भून सकते हो, उसके बाद ये सूप डाल दीजिए। या फिर अगर आपको बिल्कुल सेम होटल वाला चाहिए तो ये जो सूप है इसको गर्म करने रख दीजिए गैस पर, और आप ले लीजिए 1 कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को अरारोट भी बोला जाता है, वैसे सेम नहीं होते हैं, सिमिलर होते तो आप अरारोट भी ले सकते हो। 2 चम्मच अरारोट को मैंने पानी में मिला लिया है और फिर इसको मैं धीरे धीरे अपने सूप में डाल दूंगा। सारा मत डालिएगा एक बार मैं हल्का सा ही डालिए और फिर उसको मिक्स करिए। एक बार के लिए सूप का कलर हल्का सा ऑरेंज हो जाएगा, लेकिन फिर अपने आप ठीक हो जाएगा जब इसमें एक उबाल आएगा। ये देखिए, जैसे हम लोग के सूप में एक उबाल आया वैसे ही चमकान भी आ गई है, हम लोग का सूप एकदम बढ़िया लग रहा है कि नहीं। लास्ट जो स्टेप है वो है इसका झाग निकालने का। ये जो झाग ऊपर निकला है इसको हम लोग निकाल देंगे, वैसे ऑप्शनल है लेकिन बढ़िया रहता है अगर हम लोग निकाल देते हैं तो। हम लोग का घर में बना हुआ बिल्कुल होटल स्टाइल में सूप बिल्कुल तैयार है। अब हम लोग इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, आप देख सकते हो ब्रेड को सेक लिया है गैस टोस्टर में, गैस का ये जो टोस्टर आता है ना बिल्कुल इसमें, बहुत अच्छा लगता है। होटल में जब हम लोग ये खुशी से खाते हैं ना क्रोटॉन्स या फिर ऐसे टाइप की ब्रेड, वो तली हुई रहती है तेल में, आपको पता ही है ब्रेड को अगर आप तेल में डालते तो क्या होता है, सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेती है सूखी ब्रेड। मैं इसको ऐसे गैस टोस्टर में टोस्ट करना पसंद करता हूँ, तो मैंने ये तैयार कर लिया है, साथ में हम लोग इसको सूप के साथ सर्व करेंगे। इसकी थिकनेस, कलर की रिचनेस और साथ में टेस्ट सब बिल्कुल बढ़िया है। और बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, आपको पता है ये सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है, तो आप बनाते क्यों नहीं हो। अपनी जो ये ठंड आई भी आजकल, इसमें बिल्कुल मज़ा आ जाता है घर में बने हुए टमाटर के सूप का। वैसे टमाटर का सूप तो हम लोग सभी बनाते हैं घर पर, लेकिन ये स्टाइल में जब बनेगा तो सब बोल 1 मिनट में खाली कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये थी घर में बनी हुई टमाटर सूप की रेसिपी या फिर टोमेटो सूप की रेसिपी। इसको क्रीम ऑफ टोमेटो भी बोला जाता है अगर इसमें 1 चम्मच क्रीम डाल दी जाए तो। आपकी मर्जी, आप क्रीम डालकर बनाइए या फिर क्रोटॉन्स डालकर खाइए, एकदम मज़ा आ जाएगा। ट्राई करिए, मुझे बताइए कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक करिएगा, मेरे को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि हाँ भाई आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन दबा दीजिएगा, या फिर फेसबुक में देख रहे हो तो सैड इमोजी डाल दीजिएगा, उससे मेरे को पता चल जाता है कि हाँ भाई इतने लोगों को अच्छी लगी, इतने लोगों को नहीं लगी। उससे मेरे को क्या होता है,
आगे की रेसिपीज और अच्छी बनाने में फीडबैक मिलता है, कमेंट जरूर करना। और रेसिपी आपने ट्राई करी तो फोटो भी डालना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।